सुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेश्व भद्रेशु निं भागवतया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैषि कृष्णाय वासुदेवाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदा नमो नमः हरे कृष्ण तो आज के इस विशेष पर्व पर श्रीमती राधारानी के आविर्भाव महोत्सव हेतु राधाष्टम राधाष्टमी महोत्सव हेतु जो श्रृंखला चल रही है चर्चा की तो उसमें ही आज के सत्र में श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चार दशमल दशम साठ फोर पॉइंट सिक्सटी इससे पढ़ेंगे लाधीनी कराए कृष्ण आनंदास्वादान लाधिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण लाधीनी करा कृष्ण आनंदास्वादीर द्वारा करे भक्षण लाधिनी कराए कृष्ण आनंदास्वाद लाधीनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण इस, इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे आज के सत्र में ओम अतिर ज्ञानांजनाशलाक चक्षुरून्मिता येन तस्म श्रीगुरव श्री, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदातिक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा सागर जाता सह गणा रघुनाथन्द्वैत सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधपदा सह गणा ललिता श्री विशाखान्वता नम विणुपा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदात स्वामीनिनाने नमस्ते सारस्वते देवे गौ मनिप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिश्ना गौरत्विषये नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर अद्वैतगदाधर श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा तो सब सर्वप्रथम तो श्रीमती राधारानी के ऊपर कोई चर्चा करने की मेरी पात्रता नहीं है निश्चित रूप से मैं अपने स्वयं के साधना और सेवा और बाकी सारे क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन तो भी चूंकि वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन के अनुसार और उनकी याचना करके कुछ जो भी आ, पढ़ा है सुना है उसमें मेरे अधिकार के अनुसार कुछ बोलने का प्रयास करूँगा इसमें अगर किसी को ये भी लगे कि ये कुछ चीज़ ऐसे मेरे अधिकार के परे बोल दी तो कृपया क्षमा करें क्योंकि यह सोच में मेरा विभ्रम हो सकता है कि कहाँ तक मैंने बोलना चाहिए ये समझने में और फिर निश्चित रूप से कोई बोले बोलना तो बहुत आसान है वास्तविक है कि नहीं कोई भी चीज़ के ऊपर एक दो घंटा पढ़ के सुन के क्लास प्रिपेयर करके बोलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन उसके ऊपर उसको जीवन में उतार पाना और उसके आदर्शों के अनुसार जीना बहुत बड़ी बात है वो तो तो हालांकि कोई बोलता भी है तो निश... ये तो जरूरी नहीं है कि वो उस उस साक्षात्कार को धारण करता है घर के ऐसे गुणैर उत्तुंगताम याति न उत्तुंगे न आसने न वही प्रसाद शिखरस्तोपी का कह न गरुडायते जो हितोपदेश है वो कहता है कि गुणैर उत्तुंगताम याति व्यक्ति उत्तुंग बनता है उसके गुणों से न उत्तुंगे न आसने न वही केवल ऊंचे आसन पे बैठने से जैसे प्रासाद शिखर स्तोपी कोई बहुत बड़े प्रासाद मंदिर के शिखर पे बैठा हुआ काकह न गरुडायतें काक गरुड़ नहीं बन जाता कौवा होता है वो प्रासाद के शिखर पे बैठा इसलिए गरुड़ नहीं बनता वो तो कौवा ही है बस वो कव, शिखर पे बैठा है तो वैसे उत्तुंग आसन पे बैठ के कोई आ, बहुत क्वालिफाइड होता है ऐसी बात नहीं है खास करके हमारे आंदोलन में तो पहले सेवा की अपॉर्चुनिटी दी जाती है फिर उसके बाद पात्रता आती है बहुत बार ऐसा है है कि नहीं पहले सेवा दी जाती है ऐसे नहीं कि कोई पात्र व्यक्ति को सेवा मिले कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर कोई सीख रहा है उसको वो सेवा का अवसर प्रदान करते हैं और फिर कुछ समय बाद वो पात्र हो जाता है तो वही भाव एक वक्ता के लिए बहुत समुचित है तो आज के इस सत्र में थोड़ा श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर मैं एक लीला के ऊपर भी चर्चा करूंगा आनंद वृंदावन चंपू से निमंत्रणोत्सव की लीला बड़ी विशेष लीला है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे तो जब परम सत्य की बात करते हैं ट्रुथ तो इसके विचार में बहुत सारे दार्शनिक बहुत सारे तत्वज्ञ चर्चा किए हैं पाश्चात्य तत्वज्ञ या फिर पौर्वात्य वैदिक दार्शनिक इन सब ने परम सत्य क्या है इसके ऊपर बहुत चर्चा की तो परम सत्य के बारे में बोलते हुए बहुत लोगों की अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं जैसे एरिस्टोटल नाम के एक प्रसिद्ध पाश्चात्य तत्वज्ञ हुए थोड़ा दूर से बोल तो ये एरिस्टोटल ने कहा कि जो परम सत्य है उसमें हर चीज जो है परिपूर्ण है परफेक्ट है परफेक्ट हर चीज जो है वो तो जैसे कोई पेंटिंग होती है पेंटिंग में आप कुछ रंग डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए एक टाइम पे वो परफेक्ट हो जाएगी पेंटिंग अभी अगर आपने उसमें कुछ डाला तो क्या हो जाएगा अभी वो खराब हो जाएगी वो परिपूर्णता जो है उसको प्राप्त कर लिया अभी और ज्यादा आप कुछ डालोगे उस पर बस अभी हो गया वो सेचुरेटेड एकदम संपृक्त हो गई अभी उसमें कुछ और ये डालना नहीं है रंग आदि उससे वो खराब हो जाए तो उसी प्रकार से उनकी धारणा थी और ये कई पाश्चात्य तत्वों की धारणा है कि जब परम सत्य परिपूर्ण होता है मतलब वो कुछ उसमें कुछ कृत्य नहीं है उसमें कुछ और अतिरिक्त कहना नहीं है कुछ कार्य नहीं करना है परम सत्य मतलब फ्रोजन परफेक्शन ये उनके आइडिया थी कल्पना थी फ्रोजन परफेक्शन मतलब वो जो है कुछ कार्य नहीं करेगा वो जो है कुछ और कुछ उसमें है ही नहीं क्योंकि ये विषय वेदांत सूत्र में भी आता है एक्चुअली व्यासदेव भी इसको वेदांत सूत्र में चर्चा करते हैं क्या परम सत्य जो है उसको कोई कार्य करने की जरूरत है हुँ? परम सत्य वाई डज सुप्रीम ट्रूथ एक्ट कार्य क्यों करता है इस जगत में कार्य करते हैं तो उसके दो प्रयोजन होते हैं एक तो अवांछित वस्तु जो है वो अपने जीवन में है उसको निकालने के लिए लोग कार्य करते हैं उसका समाधान अवांछित है अनडिजायरेबल आत्यंतिक दुख निवृत्ति और फिर जो वांछित है वो है नहीं उसके पास इसलिए वो प्राप्त करना चाहता है तो अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति तो ये दो चीज़ों की वजह से बलदेव विद्याभूषण कर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है चीज़ों को निकाल देना अपने जीवन में और वांछित चीज़ों को लाना अपने जीवन में इसके लिए कार्य करते तो जब परम सत्य की बात करते हैं तो अगर वे परिपूर्ण है सब चीज़ों में उनके पास क्या नहीं है क्या परम सत्य के पास कोई अवांछित चीज़ है जो उनको नहीं चाहिए वो उनके पास है इसलिए उनको निकालना चाहते हैं और परम सत्य के पास कोई वांछित चीज की कमी है एकदम परिभाषा से बाय डेफिनेशन परम सत्य जो है वो सब कुछ अपनी इच्छाओं की परिपूर्णता जो है वो स्वयं से करते हैं देर इज नथिंग एक्सटर्नल बाह्य रूप से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं आत्मा राम आत्मलाभ है ना संतुष्ट तो फिर परम सत्य कुछ कार्य क्यों करते हैं तो इसके उत्तर में रामानुजाचार्य कहते हैं अरे परम सत्य कार्य करते हैं तो वो उनकी लीला है क्रीड़ा है वो कर्म नहीं है वो कर्म नहीं है वो क्रीडा है लीला है जैसे कोई धनी व्यक्ति है तो क्या करता है वीकेंड में जाके कोई दूसरे देश में जाके गोल्फ खेलता है आ? तो उसको जरूरत क्या है कोई कहे अरे इतना वीकेंड में फ्लाइट लेके जा रहा है उधर खेल रहा है वो मार रहा है वो हॉल में डालने का प्रयास कर रहा है वो बॉल जो है वो कितना परिश्रम कर रहा है बेचारा एक्चुअली परिश्रम नहीं कर रहा वो वो तो आनंद के लिए कर रहा है वो वो आनंद उसके पास इतना धन है वो कहीं भी जाके गोल्फ खेलेगा और वो आनंद के लिए वो ये करना चाहता है खेलना चाहता है तो इसलिए भगवान कर्म करते हैं तो उसमें यह आत्यंतिक दुख निवृत्ति या सुख प्रवृत्ति का भाव नहीं है लेकिन भगवान जो है अपने आनंद के लिए खेलते तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं हाँ ये तो ठीक है लेकिन इससे भी ज़्यादा बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कोई कहेगा कि एक्चुअली खेल भी व्यक्ति खेलता है तो केवल आनंद के लिए खेलता है कि नहीं उसको आनंद बोर हो रहा है मानो और इसलिए कुछ आनंद जो है चाहता है इसलिए क्या करें हाँ थोड़ा खेलेंगे थोड़ा खेल से आनंद मिलेगा लोग खेल खेलना चाहते हैं तो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं बलदेव विद्याभूषण कहते हैं भगवान का जो लीला है वो नृत्य क्या जैसा है और कैसा नृत्य आनंद के लिए नहीं नृत्य आनंद का परिणाम करके नृत्य है वो गॉड्स एक्टिविटीज आर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सटेसी एंड नॉट इन वांट ऑफ एक्सटसी जैसे वो कहते कोई व्यक्ति बहुत खुश है इतना खुश है इतना खुश है तो नाचने लगता है एकदम नाचता है क्योंकि इतना खुश है अंदर खुशी है इतनी तो नाचने लगा एकदम ऐसे तो दैट इज कृष्णाज एक्टिविटीज वो कहते हैं कि भगवान का जो कार जो लीलाएं है वो लीलाएँ हेतु से नहीं है आनंद के वे परिणाम है आनंद का इतने भगवान जो है अपनी आनंद की शक्ति से परिपूर्ण है अंदर कि स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाता है वो और भगवान जो है अपने विलास करते हैं अपने कार्य करते हैं क्रीड़ा करते हैं तो ये जो है भगवान के बिल्कुल आत्मा रामता जो है भगवान के पूर्ण कामत्व जो है उसके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है ये भगवान का निश्चित रूप से वो सारे जो पहलू है वो बरकरार रखते हुए भगवान ऐसे लीला करते हैं तो वो कहते हैं कि इसीलिए कोई साधारण व्यक्ति जो है वो इस जगत में संबंध बनाना चाहता है तो वो संबंधों से कुछ चाहता है कुछ प्रेम का आदान प्रदान होवे कुछ मिले वगैरह ऐसे तो खास करके क्योंकि वो दुख का अनुभव कर रहा है कुछ कुछ उसमें रिक्तता की भावना है लेकिन भगवान में रिक्तता की भावना नहीं है भगवान एक्चुअली पूर्णता की भावना से भगवान का बाहर उमड़ के आ रहा है प्रेम जो है वो तो जो भी भगवान लीला करते हैं जो भी भगवान आदान प्रदान करते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनके नित्य जो नित्यानंदत्वम या आत्मा राम जो है उस, उस कंडीशन के अनुसार ही है ये बोलते हैं आनंद से ओत प्रोत कृष्ण है और वो जब आनंद बहता है बाहर एकदम तो फिर वो अन्यों को सा, अन्यों के साथ भी अन्य जीवों के साथ उसको जो है वो देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आनंद का आस्वादन भगवान के लिए बाह्य नहीं है भगवान जो है वो स्वयं की ही जो शक्ति है स्वयं भगवान जो कृष्ण है उनकी शक्ति राधा रानी उसको अपने रूप मतलब एक स्त्री के रूप में भगवान जो है विस्तारित करते हुए स्वयं को और फिर वो जो विलास है वो वो जो लीला है वो करते हैं तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है हम लोग जानते हैं कि भगवान की लाधिनी शक्ति है और वो बाह्य नहीं है वो भगवान से अभिन्न है एकदम कृष्ण से अभिन्न है श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत सारी गलत वहमियाँ हैं खास करके वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत यहाँ तक कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी अब संप्रदाय जो है वो तो समझ नहीं पाते हैं श्रीमती राधा रानी क्या है लेकिन राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य से करी। तो ये बहुत क्लियर चीज़ जो है हमें गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत समझती है कि कैसे भगवान से अभिन्न है राधा रानी जो है वो बस उन्हीं भगवान का जो है वो स्त्री रूप है फेमिनाइन फॉर्म है भगवान की शक्ति के रूप में लाधिनी के रूप में जो है वो आ, आ, विस्तारित होती है तो रानी ना तो साधारण स्त्री है ना असाधारण स्त्री है वो साक्षात भगवान है भगवती है वो बस वो इस रूप में आई है कि जिस रूप में वो भगवान की सारी सेवा के लिए शक्ति के रूप में आ, विस्तारित हुई है तो इसीलिए कहने का तो इस जगत में लोग बहुत कहते हैं प्रेमी लोग कहते हैं दो शरीर एक आत्मा वगैरह गाते रहते हैं एकदम दो शरीर एक जान वगैरह लेकिन वो कुछ होता नहीं एक्चुअली में वो पता नहीं उनको तो पता भी नहीं दो शरीर क्या है और एक जान क्या है तो उसके बाद में कहाँ से कहाँ जाएंगे लेकिन वास्तविक राधा कृष्ण वैसे है वो जो रूपक बोला जाता है इतना दो शरीर एक जान वाला एक आत्मा वाला वो लिटरली वो राधा कृष्ण के लिए सही है राधा कृष्ण एक आत्मा दुई ही देहाधरी ऐसे तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी ऐसे प्रभुपाद जी ने जो है हमें आ, राधा रानी के लिए संबुद्धि प्रदान की श्रीमती राधा रानी कहते हैं हम उसमें एक्चुअली देखा जाए तो बहुत गौरव का भाव है श्रीमती और रानी दोनों है श्रीमती राधा रानी जो भक्ति सिदान सरस्वती है वो श्री राधा या कभी श्रीमती राधा भी कहे श्रीमती राधा रानी के उल्लेख करते हुए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने श्री राधा कहा है और फिर अन्य अन्य आचार्य भी राधा वगैरह कहते हैं प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी इतना गौरव इनफैक्ट मेरे आ, मैं ये एडवाइजरी काउंसिल का एक सदस्य हूँ और उसमें एक वक्त बता रहे थे कि एक बार एक आ, एक सदस्य दूसरे कि एक बार एक श्री वैष्णव विद्वान आके बोला कि तुम लोगों का सब कुछ गड़बड़ है इस कौन ने उसने कहा तुम लोग कृष्ण को कृष्ण बोलते हो सिर्फ श्री कृष्ण नहीं भगवान कृष्ण नहीं और राधा रानी को श्रीमती राधा रानी <laughs> इतना गौरव से बोलते हो उनको और फिर कृष्ण को क्या कृष्ण बोलते जैसे भी हम बोल रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण भगवान क्रिश्न भी नहीं बोलते या श्री कृष्ण भी नहीं बोलते केवल कृष्ण इस प्रकार से तो वास्तविक एक्चुअली देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी का बहुत गौरव है गौड़ी संप्रदाय में जैसे हम पहले भी सुन रहे थे पिछले दो दिनों में अन्य प्रवक्ताओं से कि जो राधा रानी के भक्त है वो गौड़ी कहे जाते हैं विशेष रूप से तो इस प्रकार से तो ये राधा रानी जो है ये भगवान की सेवा के लिए स्वयं भगवान जो है वो दो रूप में प्रकट हुए हैं एक श्रीमती राधा रानी और एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अन्योन्य उन दोनों का जो लीला है उनका जो व्रज विलास है वो चलता रहता है जैसे अः राधिकाष्टकम में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है गर्वहारिगौरभा पीतनाञ्चिताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दिसौरभा वल्लवेशसोऽनुसर्ववाञ्चितार्थसाधिका मय्यमात्मपादपद्मा दास्य दासु राधिका बल्लवेश सूनु सर्ववांचित्थ साधिका जो बल्लवेश है नंद महाराज उनके सुनो मतलब भगवान श्री कृष्ण उनके वांछित अर्थ साधिका उनके जो भी कुछ प्रयोजन है इच्छाएं है लीला की जो इच्छाएं उन सारे प्रयोजनों को सिद्ध करती है श्रीमती राधा रानी तो वो ऐसी श्रीमती राधा रानी जो है वो हम लोग देखते हैं कि विशेष है तो इसलिए जो ये आदि लीला का श्लोक पार हमने पहले कहा लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन तो ये श्रीमती राधा रानी के दो इसमें अः कार्य बताया कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती है और भक्तों का कृष्ण जो है राधा रानी के द्वारा पोषण करते हैं लादिनी कराए लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण तो कृष्ण आनंद आस्वादन और भक्तेर पोषण ये दो जो पहलू है राधा रानी के तो इसमें खास करके कृष्ण आनंद आस्वादन ये तो बहुत बड़ा उच्च विषय है कैसे राधा रानी जो कि माधुर्य की परम सम्राज्ञी है एकदम ऐसे माधुर्य के जो सारी निपुणता है उससे ऐसे प्रवीण है और उससे इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करती है ये तो बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली इसमें तो बड़ा अधिकारी होना चाहिए कोई भी बोलने के लिए ऐसे खास करके जब राधिकाष्टम कम में ही ये भी कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी रासलास्य गीत नर्म पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश मंडिता विश्वग्नव्य नव्य गोप योषिदा तो पाद पद्म दास्य राधिका तो राधा रानी जो रास है रासलास्य या गीत गाना गायन नर्मा सत्कला पंडिता हास्य विनोद आदि इसमें ऐसी पंडिता है 64 कलाओं में पूरी परिपूर्ण है एकदम और प्रेम रम्य रूप वेश सदगुण अली मंडिता जो भी कुछ सदगुण है यू नो सारे प्रकार के उससे मंडित है पूरी और इससे वो जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है तो ये परम माधुर्य का परम खान माधुर्य की परम सभ्राज्ञी होके इस प्रकार से वो भगवान की समस्त प्रकार से जो है वो सेवा करती है तो ये तो राधा रानी का वो पहलू हुआ माधुर्य का लेकिन भक्तेर पोषण ये चीज जो है हमारे आचार्य कहे कि ये भक्त के लिए बहुत बहुत मायने रखता है कैसे राधा रानी भक्तों का पोषण करती है ये बहुत ये ये खास करके साधक भक्तों के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ये राधा रानी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है लादिनेर द्वारा करे भक्तेर पोषण Osionfish. तो जैसे कोई माता होती है वो जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है वैसे ही श्रीमती राधा रानी जो लाधिनी शक्ति है वो भक्तों का पालन पोषण करती है कैसे करती है भक्तों का पालन पोषण तो जो भी हम भक्ति के अंतर्गत आनंद का अनुभव करते हैं भक्ति आनंद का अनुभव करते हैं वो श्रीमती रानी की कृपा से ही आ रहा है जब भी हम सेवा में भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में आनंद का अनुभव करते हैं तो वो लाधिनी से आ रहा है लाधिनी के द्वारा ही हम भगवान को आनंद प्रदान कर सकते हमारी सेवा में कुछ भगवान को प्रसन्न करने की ताकत नहीं है केवल श्रीमती राधारानी अगर हमें कृपा करे तो उनकी शक्ति से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भक्ति का आनंद जो है वो भी श्रीमती राधा रानी के माध्यम से ही हमें मिल सकता है लाधिनी शक्ति अगर हम पे कृपा करेगी तो भक्ति में आनंद जो है उसका अनुभव करेंगे तो इसीलिए जब भी हम सेवा में और नाम रूप गुण गुणदिना में भगवान के आनंद का अनुभव करते हैं तो श्रीमती राधा रानी के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कृतज्ञ होना चाहिए कि ये कृपा है उनकी कि जिससे मुझे ये सेवा में आनंद जो है वो प्रदान हो रहा है तो हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं कि कैसे श्रीमती राधारानी जो हमें भक्ति में प्रोत्साहन दे रही है भक्ति का आनंद जो है उसको प्रदान करती खास करके इस जगत में माया के इतने प्रलोभन है माया के प्रलोभनों के साथ झगड़ते हुए भक्ति के उस तुष्टि का अनुभव करना बहुत जरूरी है और ये तुष्टि का अनुभव श्रीमती राधा रानी कराती है तो इसीलिए ये राधा रानी का बहुत बहुत असीम कृपा है भक्तों के ऊपर कि जिससे द्वारा वो जो है भक्तों को सेवा में प्रोत्साहन जो है वो देती रहती है और वही भक्तेर पोषण का दूसरा पहलू भी ये है कि वो अपनी सेवा से अपने लीला से दिखाती है कि कैसे भक्त ने सेवा करनी चाहिए कैसे भक्तों ने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये भी कहते हैं कि यह भक्तेर पोषण का दूसरा अंग है एक तो अंग है सीधा भगवान की सेवा में वो आनंद प्रदान करती है जिससे भक्त जो है भक्ति में आगे बढ़ता है लेकिन अपनी सेवा से अपनी लीलाओं से राधा रानी हमें दर्शाती है कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और इसलिए ऐसी लीलाओं का श्रवण ऐसी लीलाओं का गुणगान एक साधक के लिए बहुत महत्व रखता है कि जिससे श्रीमती राधा दिखा देती है कि कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की ऐसे तो ये ये बहुत विशेष है क्योंकि देखिए प्रेम 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 इस जगत में लोग बोलते रहते हैं प्रेम की कितनी चर्चा होती है प्रेम क्या है प्रेम प्रेम ऐसा है प्रेम वैसा है लोग गाते रहते हैं लेकिन एक्चुअली प्रेम क्या है ये कोई समझते ही नहीं प्रेम की परिभाषा आई I मीन mean, प्रेम हम लोग भी नहीं समझते थोड़ा बहुत समझते लेकिन जो लोग बाहर समझते वो तो प्रेम एकदम अलग चीज है है क्या नहीं प्रेम उससे जो कृष्णदास कविराजी गोस्वामी है वो चैतन्य चरित्र अमृत में बड़ा सुंदर प्यार लिखते हैं माधवेंद्रपुरी के उस माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के लिए जो चंदन की लीला करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सुंदर प्यार प्यार लिखते हैं प्रगाढ़ यही स्वभाव आचार निज दुख विघ्ना देर न करे विचार प्रगाढ़ प्रेम का तो यह स्वभाव होता है कि उसमें व्यक्ति जो है खुद के विघ्न दुख भगवान की सेवा में जो भी कुछ आए उसका विचार नहीं करता वो निश्चित रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है कितना भी विघ्न आए कितना भी दुख आए तो एक और तो राधा रानी की कृपा है जब हम भक्ति में आनंद का अनुभव करते हैं लेकिन जब आनंद का अनुभव नहीं करते वो भी राधा रानी की कृपा है क्योंकि वहां पे राधा रानी हमें वास्तविक प्रेम का आदर्श सिखा रही है क्या है वो निस्वार्थता निज दुख विघ्ना देर न करे विचार तो प्रेम देखिए आनंद का अनुभव हो रहा है कोई कार्य में तो कोई भी उसको करेगा लेकिन जब भक्ति में ऐसे भी फेज होती है, है कि नहीं जिसमें हम लोग पूरी रुक्षता का अनुभव करते हैं आनंद का अनुभव नहीं करते हैं शायद हो सकता है भक्त लोग हमें कुछ गलत समझ रहे हैं और हमें जो श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है लेकिन ऐसी स्थिति में वो निस्वार्थता का द्योतक है वहां पे श्रीमती राधारानी सिखा रही है कि कैसे हमें निस्वार्थता से जो है भक्ति करनी चाहिए अर्थात ये कहना आसान है मैं प्रारंभ में भी कहा लेकिन जब जीवन में व्यक्ति जाता है उससे तो बड़ा कठिन होता है ऐसे मैं तो तुरंत हमें जस्टिस का भाव आता है यह न्याय नहीं है <laughs> ऐसे है कि नहीं लेकिन वो निस्वार्थता ये प्रेम का सबसे बड़ा विशेष है एक्चुअली निस्वार्थ प्रेम जिसमें स्वयं के भले ही दुख हो स्वयं को कुछ कठिनाई हो लेकिन व्यक्ति जो है वो सेवा करना चाहता है और ये श्रीमती राधा रानी की बहुत बड़ी विशेषता है कि कभी सुख देखिए संबंधों में भी हमारे जीवन के संबंधों में भी हम देखते हैं रिलेशनशिप्स जब जीवन में संबंध आते हैं तो ऐसे नहीं कि हर बार संबंध जो है सुख ही प्रदान करते ऐसे नहीं ना कभी दुख भी प्रदान करते लेकिन समर्पण की भावना कमिटमेंट इन रिलेशनशिप इज व्हेन इवन इन हाँ प्रेम की भी एक परिभाषा वही दी है आचार्यों ने कि सारे ऐसे कारण कि जिससे वो जो संबंध है वो टूटने का अवसर है लेकिन तो भी वो टूटता नहीं उसे प्रेम के तो ये निस्वार्थता श्रीमती राधा रानी दिखाती है भगवान की सेवा के लिए खुद का दुख या खुद का पीड़ा कष्ट जो भी कुछ है उसका बिल्कुल विचार नहीं करती केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है तो इस प्रकार से तो इसलिए हमारे जीवन में भी हम लोग सीखते हैं कि कैसे भक्ति हमें आनंद प्रदान करे बहुत अच्छा है बहुत कृपा है भगवान की लेकिन भक्ति कभी हमें आनंद प्रदान भी ना करे थोड़ी पीड़ा हो व्यथा हो कठिनाई हो सेवा में आदि लेकिन वो कठिनाई के बावजूद यू you नो know, भगवान की सेवा में समर्पण की भावना से आगे बढ़ना ये हम लोग जो है श्रीमती राधा रानी से सीखते तो भले ही उत्साह नहीं लग रहा हो रुचि नहीं लग रहे हो लेकिन तो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं पूरे पूरे उत्साह से उसको करना चाहते हैं और उससे ही शुद्धिकरण होगा उस शुद्धिकरण से वास्तविक भावनाएं जो है कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रति जो है उत्पन्न होगी नहीं तो हम लोग देखते हैं कि केवल आई I मीन mean, राधे राधे कह के श्रीमती राधा रानी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है <laughs> ऐसे मतलब ठीक है राधे राधे कोई कह रहा है तो बहुत विशेष है श्रीमती राधा रानी कृपा तो करेंगे निश्चित उसके ऊपर लेकिन हमारे संप्रदाय की विरासत जानना पड़ जानना चाहिए उसके साथ साथ उस विरासत को प्राप्त करने का विधि भी जानना चाहिए तो हमारे संप्रदाय की निश्चित रूप से राधा कृष्ण भक्ति विरासत है ऐसे नहीं कि ये ये सारे विषय जो है वो हमारे संप्रदाय के लिए बने नहीं है निश्चित रूप से बने लेकिन उसमें अधिकारित्व की बहुत बड़ी बात भी हुई है कौन अधिकारी है राधा कृष्ण के खास करके यू नो कराए कृष्ण आस्वादन जो लीला का अधिकारी कौन है तो इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत ने भक्तिविनोद ने बहुत कुछ लिखा है एक और से तो ग्र और एक, एक हमारे भागवत महाविद्यालय में हम इसके ऊपर भी कार्य करना चाहते हैं कि क्या इन सारे ग्रंथों का अधिकारित्व क्या है गौड़ी वैष्णव के अंतर्गत इतने सारे माधुर्य के ग्रंथ भी है तो कौन अधिकारी है उसका कौन उसको पढ़ सकता है या चर्चा कर सकता है कोई चीज हम सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते कोई चीज हम सुन भी नहीं सकते उसमें से ऐसे क्योंकि जो बोल रहा है वो तो बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है लेकिन हम लोग उसको नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग नहीं है उस स्तर पर तो इस अधिकारित्व को भी समझना पड़ेगा दोनों भी पहलू है इसमें एक तो कोई ग्रंथ पढ़ने के पहले उसके पहले सिद्धांत ग्रंथ जो है वो भी पढ़ने पड़ेंगे वो भी समझने पड़ेंगे सुनने पड़ेंगे पढ़ना सुनना जो भी है उसका अध्ययन होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति की भक्ति में वास्तविक वो उसकी जो अवस्था है वो भक्ति में कितना प्रगत है ये दोनों पहलू हमारे आचार्य बोलते हैं अधिकारित्व के बारे में एक तो ज्ञान का पहलू ज्ञान भी होना चाहिए पहले कुछ सिद्धांतों का जब बात करते हैं रस की और दूसरा पहलू उस व्यक्ति की भक्ति में क्या स्थिति है उसका भी कोई इंटेलेक्चुअल है शायद हो सकता है बहुत सारा ज्ञान याद रख ले बहुत कुछ पढ़ के सब कुछ याद लेकिन क्या उसकी भक्ति में कितनी स्थिति है तो उसके अनुसार खास करके कृष्णा की जो उच्चतम लीलाएं हैं उसके अधिकारित्व के ऊपर चर्चा हुई है बहुत सारी तो ये बात है ऐसे तो मेरा कहने का प्रयोजन ये है कि राधादास्य बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली राधा दास यू नो आई मीन कभी कभी वृंदावन में आदि देखते हैं। हम लोग या अन्यत्र भी कोई राधे राधे बोलते हैं लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है केवल राधे राधे कह के राधा रानी को प्राप्त करना या फिर उसके लिए वो जीवन भर जो है शायद जीवन क्या कई जीवन निकल जाएंगे एक्चुअली उस स्तर को प्राप्त करने के लिए एकदम क्योंकि वो इतना महान स्तर है भक्ति सिदान सरस्वती कहते हैं संकीर्तन आंदोलन के संकीर्तन यज्ञ में खुद को खुद को तपते हुए सोने की तरह तपाना पड़ता है फिर जाके वो हृदय जो है राधा रानी के चरणों में नौछावर करने के लिए पात्र है वो हृदय एकदम तो संकीर्तन आंदोलन मतलब अभी ये भी बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं कि मैं खुद उस स्तर पर नहीं हूँ लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आचार्य क्या कहते हैं तो संकीर्तन आंदोलन मतलब मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि कोई प्रचारक है वगैरह नहीं पूरा ही संकीर्तन आंदोलन की अन्य अन्य सेवाओं में भी जो भी हमारी सेवाएं हैं उस सेवाओं में उस प्रकार का निस्वार्थता लाना उस प्रकार का शुद्धता लाना फिर श्रीमती राधा रानी जो है वो कृपा कटाक्ष कर करेंगी ऐसे तो वो वो कुछ साधारण चीज नहीं है एक्चुअली राधा कृष्ण का भक्ति और उनका ये प्राप्त करना हालांकि वो कृपा बहुत कृपालु है ये निश्चित रूप से है लेकिन तो भी दोनों भी पहलू है भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि एक और तो राधा कृष्ण की कृपा है लेकिन दूसरी ओर उनको प्राप्त करने की कीमत भी है और ये दोनों चुकानी पड़ती है मतलब राधा ने की कृपा भी चाहिए उसमें लेकिन उसकी कीमत जो है वो कीमत किस कोई ये नहीं कर सकता उसको बाईपास नहीं कर सकता उसको वो कीमत जो है चुकानी पड़ेगी तो पूरे जीवन को एकदम नौछावर करना पड़ता है एकदम संकीर्तन यज्ञ के आंदोलन में तपाना पड़ता है सेवा में निस्वार्थता शुद्धता लानी पड़ती है तब हम वास्तविक श्री कृष्ण के परमोच्च लीला के सुनने के आदि अधिकारी बन सकते हैं तो ये ये विशेषता ये विशेषता हमारे संप्रदाय में इस अधिकारित्व के बारे में भी बहुत कुछ बोले खैर ये तो बड़ा विषय है अभी हम खास करके लीला की चर्चा करते जो भी समय है उसके अंतर्गत तो ये आनंद वृंदावन चंपू की लीला है ख़ास करके आनंद वृंदावन चंपू बड़ा विशेष ग्रंथ है जिसमें भगवान की जो वृंदावन की लीलाएं हैं उसी को बहुत विस्तार से जो कवि कर्णपुर है एकदम परम कवि शिरोमणि हमारे संप्रदाय के बहुत प्रमुख कवियों में से एक तो उन्होंने उन लीलाओं को विस्तृत रूप से बोला है एकदम आनंद वृंदावन चंपू में चंपू शब्द का अर्थ होता है गद्य मद्य पयम काव्यम चंपू इति अभिधीयते कहा है काव्य प्रकाश में जो चंपू है उसको गद्य और पद्य दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो चंपू होता है मतलब एकदम से उसमें श्लोक शुरू हो जाएंगे गाने के एकदम सुंदर फिर गद्य शुरू हो जाएगा एकदम से फिर फिर से पद्य शुरू हो जाएगा तो गद्य मध्य पयम काव्यम चंपू इति अभिधेयत ऐसे तो ऐसे दो चंपू है हमारे संप्रदाय में एक है आनंद चंपू एक है गोपाल चंपू तो इसमें दोनों दोनों में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का खास करके दशम स्कंद की लीलाओं का विस्तृत निरूपण तो आनंद वृंदावन चंपू में केवल व्रज लीला का और गोपाल चंपू में व्रज लीला मथुरा लीला एवं द्वारका लीला पूरा पूरा दशम स्कंद जो है इसका वर्णन तो इसके अंतर्गत ये निमंत्रणोत्सव की लीला आती है तो एक बार ऐसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जो पौगंडावस्था में थे तो पौगंड अवस्था में उनका एक दिन जो है उनका तिथि उत्सव जो है मनाया गया तो नंद महाराज ने सबको बुलाया वृषभानु जी को भी बुलाया कीर्तिदा सुंदरी को भी बुलाया और राधा रानी और ये सारे सारे जो है सारा व्रज बरसाना व्रज आदि सब कुछ व्रज मंडल जो है वहाँ पे उपस्थित हुए तो बहुत धूमधाम से कृष्ण की जन्मतिथि जो है वो मनाई गई ये पौगंडावस्था के वक्त की बात कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद में उस महोत्सव की चर्चा बहुत दिन तक चलती रही इतना बढ़िया महोत्सव उन्होंने बनाया था तो वृषभानु जी की इच्छा हुई कि जैसे नंद महाराज ने हमें बुलाया हम भी उनको बुलाए हमारे यहाँ पे बरसाने में उनको भोज के लिए आमंत्रित करें खास करके ये इच्छा क्यों हुई क्योंकि एक बार श्रीमती राधा रानी जब छोटी थी तो राधा रानी ने खेल खेल में ही खेल खेल में होती है ना लड़कियां कुछ टॉय किचन <laughs> खेल खेल में कुछ व्यंजन बना दिए और वो व्यंजन बना दिए और कीर्तिदा देख रही थी पीछे से ऐसे व्यंजन बनाए थे वो व्यंजन को देख के कीर्तिदा बोली ये तो एकदम मास्टर शेफ आ, ये तो क्या बनाया है ये राधा रानी तो बहुत विशेष है करके तो थोड़ा मुझे मिलेगा चखने के लिए ऐसे करके कीर्तिदा सुंदरी ने उनसे राधा रानी को मांगा तो राधा रानी तो बहुत लज्जित हुई नहीं बोले हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बनाया छोटा सा मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जब कीर्तिदा सुंदरी ने उसको चखा वो जो व्यंजन बनाया तो अवाक रह गई ऐसे व्यंजन बनाए थे वो खुद भी नहीं बना सकती थी इतना तो तुरंत जाके उसने वृषभानु को बताया कि राधा रानी ये राधा तो है इतनी विशेष है पाक कला में इतनी निपुण है तो मैंने ऐसा पाक जो है कभी जिंदगी में देखा नहीं था तो वृष्णानु महाराज के लिए भी थोड़ा बचा के रखा था उन्होंने <laughs> तो वृषभानु महाराज ने भी जब उसको आस्वादित किया तो अवाक रह गए और बस तब उनके मन में इच्छा हुई कि काश ये जो आ, इतने सुंदर व्यंजन है भगवान कृष्ण और नंद बाबा यशोदा आदि ये भी इसका आस्वादित करें तो श्रीमती राधा रानी को तो आपको पता होगा दुर्वासा होने का यू नो उनको वरदान था कि जो भी राधा रानी बनाएगी वो चीज़ जो है अमृत के समान स्वादु होगी और जो भी उसको खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा अर्थात ये तो केवल लीला के लिए है दुर्वास जी क्या राधा रानी को आशीर्वाद देंगे राधा रानी दुर्वास जी को आशीर्वाद देती है <laughs> उनकी लीला में समाविष्ट करके वास्तविक दिखा जाए तो लेकिन ये प्रसिद्ध बात थी कि दुर्वासा का उनको जो है वरदान प्राप्त हुआ है तो ये बहुत विशेष था और इस इसके कारण उनकी इच्छा हुई वृष्णाहनों की कि भगवान को बुलाए करके तो इसलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को तो सबसे पहले ससुराल से बुला लिया वापस हुँ? तो सुचरिता नाम की उनकी एक दासी थी उसको भेज के बरसाने से राधा रानी को वापस बुलाए तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई खास करके निमंत्रणोत्सव की बात सुन के कि भगवान मतलब श्री कृष्णा और नंद बाबा आदि सब जो है उनके घर में पधार रहे करके लेकिन उनको लगा कि क्या मुझे इसके लिए अनुमति मिलेगी तो सुचरिता वो दासी ने कहा कि सब अनुमति हो गई है जटिल कुटिला वगैरह सब ऑल सेटल्ड ऐसे है कि नहीं कभी कभार परमिशन चाहिए तो उसको पूछेंगे तो कठिन होता है तो आप ही खुद सीनियर के पास जाओ ये बड़ा अच्छा विधि है सीनियर के पास जाके आप ही बोलो कि ये ये रिसोर्स हमको चाहिए मिलेगा क्या ऐसे तो बस उधर सेटल हो गया तो फिर कुछ इश्यू नहीं नीचे जो है वो आ सकता है तो वैसे श्रीमती राधा रानी को उन्होंने बता दिया कि सारा सेटल हो गया आप बस आ जाइए घर और केवल आप नहीं आना है आपकी सब सखियां जो है श्यामा सखी विशाखा ललिता आदि श्रीमती राधा रानी की परम प्रेष्ट सखियां जो है उनको सबको लेके आना है क्योंकि ये बहुत बड़ा निमंत्रण है बहुत बड़ा भोज का आयोजन है तो आप कृपया आइए ऐसे तो श्रीमती राधा रानी बड़ी प्रसन्न होकर अपनी सखियों को लेकर सारी फिर बरसाने में आ गई और फिर बरसाने में आते ही इतना राधा रानी का सेवा का भाव है इतना आतुर है भगवान की सेवा के लिए तुरंत पूछे कि बड़ा प्रीति भोज तो करना है एक दो दिन में लेकिन सामग्री जुटा दी क्या किचन की बहुत जरूरी है कि नहीं तो ग्रॉसरी कहाँ है ग्रॉसरी स्टोर कहाँ है उन्होंने पूछा ऐस तो नंद बाबा कहे हाँ हाँ सब करके रखा है हमने ग्रॉसरी पूरी जुटा दिए करके तुम देख लो एक बार तुमको चाहिए तो और मंगवा लेंगे सामान सब कुछ ऐसे तो श्रीमती राधा रानी फिर वो ग्रॉसरी स्टोर में गई जहाँ पे सारा पाक की सामग्री रखी गई थी और बहुत विष्भानु मतलब कीर्तिदा माता ने बहुत अच्छे से सजा के रखी थी स्टोर भी एकदम केटटिक नहीं होना चाहिए है कि नहीं <laughs> जो स्टोर है जो किचन ग्रॉसरी उसको भी बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए तो बड़े कल्पकता से सजाया था कि जो जो आइटम जहाँ होना चाहिए वहीं पे नहीं तो ऐसे आटा लेने के लिए सारा नमक धड़ गिर गया ऐसे नहीं कुछ तो जो चीजें ले सकते हैं जहाँ से उस प्रकार से वो कल्पकता से रचा गया था तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई देख के सारा वो विशाल सामग्री जो है कई दिनों से जुटा के रखा था एकदम बेस्ट आइटम जहाँ जो कुछ चीज सबसे बढ़िया है, होती है ना कर्पूर यहाँ अच्छा मिलता है गुलकंद वहां अच्छा मिलता है ये वहाँ अच्छा मिलता तो ऐसा कई दिनों से पहले से ही सामग्री जो है वो जुटा दी दी गई थी और तो ऐसा एक एक एक-एक चीज देखने लगी राधा एकदम स्पर्श करके देखने लगी ये कैसा आइटम है ये ठीक है क्या भगवान के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं ऐसे तो इस प्रकार से इधर नंद भवन में अः सारा निमंत्रण जो है वो दिया गया था तो जब आ, उस दिन भगवान श्री कृष्ण गोचारण से वापस लौटे तो फिर यशोदा माई ने कहा कि लाला कृष्ण कल तुम्हें गोचारण के लिए नहीं जाना है तो भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना है कल क्यों नहीं जाना है अरे हमें सबको बरसाने से निमंत्रण आया है हम लोग जो है वहां पर भोजन के लिए जा रहे करके ऐसे तो कृष्ण ने जैसे ही बरसाना सुना वो तो एकदम <laughs> उमड़ उमड़ने लगे आतुरता से लेकिन तो भी बोले कि कि किसको निमंत्रण है तुम्हें है कि मुझे है आपको है कि मुझे अरे तुम्हें भी है तुम्हें बलराम जी को मुझे नंद बाबा को और हमारे अन्य भी जो वरिष्ठ है उन सबको निमंत्रण है मैं नहीं आऊँगा कृष्ण देखो अरे क्यों नहीं आओगे जब मेरे सारे लाखों लाखों गोप सखाओं को निमंत्रण मिलेगा तभी आऊंगा ऐसे क्या मुझे अकेले के लिए मैं नहीं मानता है मेरे सारे गोप सखा इतने प्रिय है वो क्या बोलेंगे कल खाने के लिए भाग गया करते <laughs> ये क्या है कृष्ण गोचारण के लिए आया नहीं क्यों वो खाने के लिए उत्सव है घर के कहीं तो बोले सारे गोप सखाओं को बुलाना पड़ेगा तभी मैं जो है वो स्वीकार करूंगा इस आमंत्रण को तो यशोदा माई बोली निमंत्रण तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है तुम्हें आना है तो आओ नहीं तो जाओ यशोदा माई बोली तो जैसे ही ये सुना तो कृष्ण सोचा अरे बाप रे ये क्या हो गया तो उन्होंने एक और देखा अगर मैं गोचारण को जाऊंगा नहीं तो गोप सखा नाराज हो जाएंगे निमंत्रणोत्सव के लिए जाऊंगा नहीं तो वात्सल्यमयी यशोदा नाराज हो जाएगी तो वात्सल्य और सख्य के इस संघर्ष में उन्होंने देख लिया बरसाने में माधुर्य है <laughs> और माधुर्य जो है वो माधुर्य को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले लिया नहीं मैं आऊँगा कर नहीं मैं आऊँगा आऊँगा ऐसे हाँ तो यशोधरी मैं क्या कह रही थी चुपचाप चलो तुम <laughs> ऐसे तो फिर निर्धारित हुआ कि अगले दिन जो है वो सब जाएंगे इस प्रकार से तो फिर अगले दिन सुबह ही सारी बहुत सारी वृद्ध गोपियाँ वगैरह बरसाने से भेजी गई बुलाने के लिए नंद यशोदा आदि को भी सबको और इतना सुशोभित किया था वृषभानु महाराज ने उस नगरी को एकदम सुंदर सुंदर घड़े पानी के कलर शादी पताका आदि और जहाँ तहाँ बहुत सुंदर पुष्पहार आदि लगाए थे और बहुत सारे अलग अलग यंत्र आदि बनाए थे सर्वतोभद्र वगैरह ऐसे विशेष विशेष सारे यंत्र आप जानते हो डीटी इंस्टॉलेशन में हम लोग करते हैं सभी तो इसमें और नारियल फल आदि केले के पत्ते सुपारी के जो टहनियाँ हैं आदि वगैरह इतना सुंदर सजा के रखा था और खुद राजमार्ग पर बरसाने के राजमार्ग पर बाहर खड़े रहे वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देखते हुए कि नंद महाराज और ये कब आएंगे तो दूर से उनको दिख गए कि नंद महाराज और फिर यशोदा माई आदे वगैरह पधार रहे इतना जल्लोश का वातावरण हुआ एकदम वाद्य आदि के साथ में ही उनका दूर से ही जो है वो स्वागत करने लगे तो जब नज़दीक आए तो फिर पुष्पभानु महाराज ने नंद महाराज को आलिंगन किया भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत प्रेम से आलिंगन किया और फिर सबको उनको लेके महल में चले गए वे जो है और महल में सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी स्त्रियों के लिए अलग स्त्रियों का कक्ष था पुरुषों के लिए अलग पुरुषों का कक्ष था और एकदम सुंदर पूरे स्नान आदि की भी व्यवस्था की गई थी कि जिससे उनको सुंदर आभूषण वस्त्र जो है वो देना चाहते थे उपहार के रूप में और वो जो है सारा यथोचित रूप से सत्कार हुआ फिर यशोदा जो है वो देखना चाहती थी कि भोजन का निमंत्रण उत्सव है तो जाके थोड़ा पाकशाला में देखना चाहिए क्या हो रहा है तो यशोदा जी तुरंत कीर्तिदा जी को बोली कि मैं थोड़ा पाकशाला में जाके देखना चाहती थी प्रविष्ट देखना चाहती हूँ क्या हो रहा है करके ऐसे तो जब यशोदा जी को लेके की गई कीर्तिदा पाकशाला में तो वहाँ पर राधा रानी पकवान बना रही थी राधारानी का चल ही रहा था एक 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 आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर क्या वर्णन करते हैं राधा रानी के कुकिंग का जबरदस्त है एकदम मतलब उसको तो बोल नहीं सकते इतने कम समय में सर राधा रानी एक साथ पांच चूल्हो पचास चूल्हों पर पकवान बनाती है एक साथ पचास चूल्हों के ऊपर और उसमें षड रस छः के छ रस जो है तीक्ष्ण कटु यू नो आमल और फिर मधुर सारे रसों के आइटम एक साथ बनते हैं ऐसे नहीं कि खीर 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 पचास टाइप की खीर नहीं एकदम सारे जो छह रस है उन छह के छह रसों को पचास चूल्हों में एक साथ बनाती है राधा और फिर एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे हाँ इसमें यह मसाला डाल उसमें यह डालना है इसमें यह स्वीट डालना है उसमें कर्पूर डालना है इसमें आ, क्या, क्या 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 डालना है ऐसा सारा जो है वो उनको याद है और सारे व्यंजन ऐसे एक साथ बनते हैं और कोई व्यंजन का ऐसा नहीं होता कि यहाँ शुगर यहाँ पे शक्कर डालने थे वहाँ पे साइट्रिक एसिड डाल दिया या फिर और कुछ ऐसे है कि नहीं हम लोग डीटी में देखते थे क्या क्या हो जाता था वो शक्कर और साइट्रिक एसिड समान दिखता है तो खीर में डाल दिया साइट्रिक एसिड और एकदम मस्त खिला रहे राजभोग में बाद में राजभोग की खीर खाने के बाद सोच रहे थे क्या है क्या डाला है करते ऐसे तो ऐसे तो राधा रानी ऐसा होता नहीं है राधा रानी ऐसे बनाती है इतना भगवान में अभिनिवेश है सारे आइटम्स के ऊपर सारा परफेक्ट टाइमिंग अभी इस वक्त ये चीज डालनी है तो बराबर उस चूल्हे पे होगी यहाँ पे इस चीज को डालना है तो बराबर उस चूल्हे पे होगी ये उतार देना है अभी ये जो है चढ़ाना है ये जो है रखना है इसको स्टीम करना है इससे परफेक्ट तो ये ये बहुत अलौकिक प्रतिभा जो है श्रीमती राधा रानी दर्शाती है तो पूरा ऐसे पकवान बना रही थी अलग अलग एकदम भाग भाग के ये वो तो सुंदर ऐसे राधा रानी के मुखमंडल पे उ, पसीने की बूंदे थी ऐसे उससे राधा रानी बहुत सुंदर जो है दिख रही थी तो यशोदा ने देखा तो बाप अवाक रह गई एक तो राधा रानी इतनी छोटी सी है और इतनी सुकुमारी है और वो ऐसे व्यंजन बना रही है यशोदा माता तो एकदम अवाक रह गई पहले तो यशोदा ने सोचा शायद राधा रानी ने कुछ चीजें बनाई होगी इसमें से केवल बाकी चीजें तो अन्यों ने बनाई होगी करके वगैरह तो जैसे ही राधा रानी के सामने आई यशोदा तो तुरंत यशोदा ने आलिंगन किया को और कहा कि एक उत्तम स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार है उसकी पाक कला की निपुणता यशोदा ये ये जी के वचन है उत्तम स्त्री का सबसे बड़ा अलंकार है उसकी पाक कला की निपुणता तो इसीलिए मैं जानती हूं कि तुम तो यहां पे किचन में हो लेकिन तुम इतनी सुकुमारी हो तुम यहाँ पे इतना परिश्रम करके ये सब क्यों करना चाहती हो और क्या बनाया तुमने इसमें से क्या क्या आइटम बनाए तो एकदम राधा रानी ने एकदम लज्जावश यशोदा के सामने एकदम बता दिया कि मैंने ये ये बनाया थोड़ा सा बनाया करके ऐसे तो थोड़ा सा बनाया वो देखा यशोदा ने वो तो हैरान गई बाप रे कितना बना दिया कितने अलग 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 प्रकार के व्यंजन एकदम ऐसे तो कवि कर्णपुर बताते कि सारे व्यंजन सुगंध में रूप में स्पर्श में और रस में अप्रतिम थे कोई भी आइटम बनता है तो उसके चार गुण होते हैं व्यंजन भोजन का व्यंजन होता है ना तो उसमें चार गुण होने चाहिए पहले सबसे सुगंध दूर से ही उसका सुगंध जो है ना व्यक्ति को आकर्षित कर देना चाहिए ऐसा सुगंध कभी कभी कुछ लोग हम लोग देखते हैं कुछ आइटम होता है वो सुगंध आता ही नहीं उसका <laughs> उसको पूछते हैं मसाला डाला कि हाँ पर कुछ डाला है तो भी उसका कुछ सुगंधी नहीं है कुछ सुगंध आ ही नहीं रहा है तो वो दूर से ही सुगंध जो है सारे इंद्रियों को अन्य विषय वस्तु से हटा के उस आइटम के ऊपर जो है आकर्षित कर देता है ये सुगंध और फिर जब उसको देखते हैं रूप तो देख के ही व्यक्ति जो है एकदम भाव होना चाहिए कि जो आइटम जैसा दिखना है वैसा ही होना चाहिए हाँ जैसे कभी कभी चपाती होती है तो लोग कहते हैं प्रभु जी कौन से देश का नक्शा है हा? चपाती बन गई तो चपाती जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम परफेक्ट राउंड वर्तूलाकार होनी चाहिए तो ऐसे तो उसका रूप जो है वैसा वो वैसा ही होना चाहिए पकोड़ा अगर इतना है तो इतना ही होना चाहिए ऐसा नहीं ऐसा पकोड़ा बना दिया या फिर इस प्रकार से तो वो रूप में परिपूर्ण थे सारे और फिर स्पर्श की बात करें तो क्या बस स्पर्श में परिपूर्ण होने चाहिए सारे आइटम मतलब अगर पापड़ है तो क्रिस्पी होना चाहिए ऐसे नहीं पापड़ है चपाती की तरह लग रहा है और फिर चपाती है तो वो पापड़ की तरह लग रही है ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए तो स्पर्श स्पर्श के द्वारा उसके उस आइटम का परफेक्ट स्पर्श होना चाहिए और फिर अंत में जो है रस उसको उठा के जब मुख में डालेंगे तो फिर स्वाद का स्फोट हो जाना चाहिए एकदम ऐसे तो यह आनंद जब कवि कर्णपुर जी का एनालिसिस है पाक कला का ये चारों तो वो कहते हैं जैसे योग धारणा में अष्टांग योग में अंतिम चार सोपान है ना प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि वैसे सुगंध से प्रत्याहार होना चाहिए सारे चीज़ें जो है सारे अन्य अन्य विषय इंद्रिय विषय उससे हटके केवल वो साइटम पे प्रत्याहार यू you नो know, ऐसे और फिर जब रूप देखते तो धारणा वो धारणा बन जानी चाहिए उस साइटम पे अभी वो धारणाश्रय बन गया वो आइटम जो है वो ऐसे और फिर जब उसको स्पर्श करते तो ध्यान एकदम और मुख में डाला तो समाधि इस प्रकार से ऐसा एनालिसिस करते तो ये राधा रानी के जो भी व्यंजन बनाते हैं उसकी विशेषता एकदम चारों पहलों में परिपूर्ण सारे आइटम जो है और ऐसा देखा यशोदा माया ने तो इतने खुश हो गई इतनी सुख खुश हो गई पूरा रोहिणी जी को बुलाया उसने बोला रोहिणी जी आइए आइए यहाँ पे देखिए राधा रानी ने क्या बनाया है व्यंजन क्या इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी राधा रानी की यशोदा और एकदम एक ओर से तो प्रशंसा कर रही थी दूसरी ओर उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि इतनी सुकाम सुकुमारी राधा रानी को इतना परिश्रम हो रहा है इतना वो इतने चूल्हों पे कार्य कर रही है और इतना एकदम घरमा बिंदु जो है उनके इसमें सुंदर अलंकार की तरह विराजमान है तो एक ओर से तो बहुत बुरी बुरी प्रशंसा कर रही थी लेकिन दूसरी ओर किर्तिदा को बुलाया और बोली कि ये क्या है तुमने इतने छोटे से राधा रानी को इतना करने के लिए लगा दिया इतने आइटम बनाने के लिए बोल दिया तो कीतदा ने कीर्तिदान ने कहा अरे मैंने कहाँ बोला उसको मैंने तो कहा कुछ आइटम बना दो करके ये तो स्वयं से उसने इतने सारे आइटम बनाने दिए मैंने लिस्ट नहीं दी थी उसको ये ये, ये बनाओ कर लेकिन इतनी आतुरता है उसकी कि उसने इतने सारे आइटम अपनी सखियों के साथ मिलकर बना दिए मेन हम लोगों का कुकिंग तो बाहर के हॉल में है आप उधर आके देखिए सारे बरसाने के स्त्री पुरुष आके वहाँ पे आइटम आपके लिए बनाना चाहते हैं वो तो कुकिंग दूसरा है ये तो केवल एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए है जो सारे नंद यशोदा और ये इनके लिए है बाकी आपके साथ अन्य अन्य जो भी कोई गेस्ट आए हैं और फिर बरसाने में भी सबको फीस खिलानी है तो इसके लिए तो अलग अलग कक्ष है तो वो कक्ष दिखाती हूं आइए और वो कक्ष तो इतना विशाल था उसमें हजारों आइटम हजारों स्त्री पुरुष जो है बना रहे थे तो ये तो एकदम कुछ कह नहीं पाए निःशब्द हो गई कि ये किस प्रकार का आदरा हो है जो वो हो रहा है ऐसे तो इस प्रकार से तो फिर ये अंतिम इसमें सेक्शन है वैसे तो लीला तो काफी विस्तृत है मैं कुछ जो बोलना चाहता था उसमें तो फिर जब अभी पकवान जो है सारे उसकी सर्विंग परोसने की बारी आई तो फिर यशोदा ने कहा कि अभी राधा रानी तो बहुत थक गई है पकवान बना के लिए तो सर्विंग टीम कुछ और होनी चाहिए सर्विंग टीम दूसरी होनी चाहिए नहीं तो वही बना रहे वही सर्व कर रहे बेचारे वही क्लीन भी कर रहे हैं कोई तो ऐसा नहीं होता है तो सर्विंग टीम दूसरी होनी चाहिए वाइंड अप टीम दूसरी होनी चाहिए और इसको पहले से प्लान होना चाहिए तो ऐसा पहले से प्लान जो है वो था तो यशोदा यशोदमाई जो है वो कहा कि राधा रानी सर्विंग नहीं करेगी परोसी नहीं क्योंकि कितनी थक गई है वो ऐसे करके तो कीर्ति ने कहा नहीं ये नंद बाबा आप और फिर कृष्ण बलराम और कृष्ण के विशेष जो सखा है सुबल आदि आए थे कुछ विशेष सखा और द वन एंड ओनली मधुमंगल वो तो आना ही है भोजन मतलब मधुमंगल नहीं है ये तो बात होगी नहीं तो कुसुमा सव बटू मधुमंगल तो वो भी वहाँ पे उपस्थित थे तो इन लोगों को तो राधा रानी ही सर्व करेगी इनको तो वही परोसेगी क्योंकि उसकी इच्छा है और मैं जानती हूँ कि वो ही सबसे बढ़िया जो है वो परोसेगी और एक स्त्री को उन्होंने कहा कि पाक कला में ही नहीं परोसने की कला में भी निपुण होना चाहिए जो कुक है उसको परोसने की कला में भी निपुण होना चाहिए कैसे सर्विंग करते हैं वगैरह तो खास करके ऐसे पारिवारिक वाले सेटअप में तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे राधे राधा रानी जो है वो ही सर्विंग करेगी श्यामा सखी के साथ में तो श्यामा और राधा रानी ये जो है दोनों परोसने के लिए तैयार हो गई तो सारा बढ़िया अरेंजमेंट किया था सर्विंग का एकदम बहुत अच्छे से आसन जो है वो लगाए गए थे और इस प्रकार से लगाए गए थे कि कोई ऐसे नहीं चलते हुए उसके बीच में पाँव में कुछ आ रहा है धड़ाम करके गिर रहा है कुछ ऐसे या कुछ कुछ जो पात्र है वो ऐसे रख दिया बीच में ही सब लोग आके पूछ रहे ये पात्र क्यों है इधर हाँ पता नहीं क्यों है आ, नहीं जहाँ पात्र होना चाहिए वहीं पर पात्र था और ये जो सारे बाकी बैठने के आसन वगैरह इस प्रकार से लगाए थे और फिर उसमें एकदम हर एक के अधिकार के अनुसार बिठाया गया नंद बाबा, नंद बाबा बाबा के दाहिने नंदाबा बलराम जी बैठे और, और श्री कृष्ण बैठे श्री कृष्ण के के बाई और, मदुमंगल, <laughs> मदुमंगल के बाई यू नो मधुमंगल मधुमंगल फिर सुबल आदि ऐसे जो है और फिर अन्य अन्य जो भी उपनंद आदि की स्त्रियां वगैरह थी वो वो भी अन्य दूसरे इसमें सारे जो है बैठ गए तो इस प्रकार से जब परोश्नों की बारी आई तो सारे आइटम्स लागे गए तीन चार मिनट में खत्म करता हूं सारे आइटम्स लाए गए तो आइटम्स देख के ही मधुमंगल नाचने लगा ऐसे आइटम देखने लगा एकदम उछाल उछाल के नाट नाचने लगा कर अरे क्या है ये ऐसी फीस तो देखी ही नहीं वगैरह तो कृष्ण बोल रहे अरे चुप कर क्या ऐसे कभी खाने खाने को मिला नहीं क्या तुमको कभी कभी हम लोग जाते हैं ना कहीं पे बहुत एक्साइटेड देखता है तो लो, हम लोग सोचते हैं ये लोग सोचेंगे इनको खाने को मिलता है कि नहीं कभी वगैरह ऐसे ऐसे कृष्ण बोल रहे अरे चुप कर तुझे चुझे खाने को मिला नहीं क्या कभी वगैरह बता अरे ऐसा कभी देखा नहीं था फेस्ट वगैरह मेरे पूरे जीवन में कहा मैं गया कहाँ कहाँ मैंने खाया लेकिन ऐसा फेस्ट कभी नहीं देखा है वगैरह ऐसे तो कृष्ण बोले अरे चुप बोल मत अरे बोल मत बोलूंगा नहीं तो कैसे खाऊंगा पहले मुझे गुणगान करना है और खाना है करके ऐसे उसके पश्चात तो मधुमंगल ऐसा हास्य विनोद का सम्राट है मधुमंगल तो एकदम हाँ सांदीपनी मुनि का पुत्र मधुमंगल और नांदीमुखी ये दोनों जो है ये बहुत विशेष लीला में हमेशा प्रयोजन होता है कृष्ण की तो खास करके ये जो है आ, मधुमंगल बहुत हास्य विनोद में एकदम हास्य लीला का पूरा सम्राट है वो तो एकदम तो इस प्रकार से बोलने लगा बड़ा एक तो उसका पुष्ट गला है एकदम बड़ा गला है उसका और बड़ा पेट भी है एकदम तो जो भी बोलता है लोग ऐसे ही हंस देते वैसे भी और उसमें तो विनोद तो ऐसा करता है कि एकदम पूरा कृष्ण राधा कृष्ण की लीला में एकदम हास्य विनोद का बौछार होता है ऐसे तो जो इस प्रकार से व्यंजन को जब वो गुणगान करने लगा तो कृष्ण को लगा कि ये तो ऐसा बोलेगा इतना हंसाएगा कौन खाएगा फिर मतलब खाने के लिए खाने भी नहीं देगा तो कृष्ण ने कहा अभी तुम चुप बैठोगे कि नहीं बैठोगे बताओ मुझे ऐसे तो मधुमंगल बोला अरे मैं तो सोच रहा हूँ मेरे हजारों मुख होते थे तुम तो एक मुख भी चुप कर रहे हो मैं हजारों मुखों से गुनगान करना चाहता हूँ और फिर कुछ मुखों से गुनगान करते हुए खाने का टाइम चला जाएगा इसलिए दूसरे से खाना चाहता हूँ ऐसे तो मेरे तो हजारों मुख हो ये मेरा इच्छा है और तू मेरा एक मुख भी बंद कर रहा है ये क्या बात हुई करके साक्षात महालक्ष्मी ने आज ये कुकिंग किया है क्या श्रीमती राजा रानी की जय हो क्या बनाए हैं आइटम्स ऐसे करके मधुमंगल एकदम नाचते हुए बहुत गुनगान करने लगा वगैरह ऐसे तो फिर इस प्रकार से जब ये सब कुछ चल रहा था तो फिर कृष्ण का एक तोता है शुक जो उनके कंधे पे बैठा हुआ था और कृष्ण उसको बहुत अच्छा सुंदर भात जो है वो खिला रहे थे तो तोते ने ऐसी गर्दन उठा दी तो जैसे ही तोते ने गर्दन उठा दी तो यशोदा माई ने कहा अरे द्विजराज तुम कुछ कहना चाहते हो तो द्विजराज पशु पंछी को भी द्विज कहते हैं कि नहीं, द्विज दो बार जन्म लेता है पंछी एक बार अंडे में और फिर अंडा फूट के बाहर दूसरी बार इसलिए द्विज कहते हैं पंछी को भी ऐसे तो द्विजराज बोल दिया जैसे जैसे ही अरे द्विजराज तुम कुछ बोलना चाहते हो तो मधुमंगल एकदम उठ के बोला आज यशोदा माई ने मुझे द्विजराज बोल दिया बस आज मेरा द्विजत्व जो है सिद्ध हो गया मैं कितनी बार बोलता था कि ऐसा ब्राह्मण आप लोगों को मिलेगा नहीं करके अभी यशोदा माई ने बोल दिया द्विजराज तो यशोदा बोले अरे मैं सुख को बोल रही हूँ तो मैं नहीं बोल रही हूँ वो तोते को बोल रहा हूँ करके ये तो इतना वाचाल है इसको कौन रोक सकता है इस प्रकार से तो तोता बोलने लगा तोता बोलने लगा अरे द्विज मधुमंगल तुम स्वयं को बहुत बड़ा ये मानते हो द्विज मानते हो क्या तुलना की तुमने क्या कहा क्या महालक्ष्मी ने आज पाक किया है करके राधा रानी को महालक्ष्मी से तुलना करते हो अरे तुम्हारा क्या सिद्धांत है सिद्धांत विभ्रम हो गया है इसको को? ये महालक्ष्मी है क्या ये तो महालक्ष्मी के भी स्रोत है ये महालक्ष्मी से भी महान है श्रीमती राधा रानी जो है वो करके तो तुम्हारे सिद्धांत में गड़बड़ है ऐसे शुक्र शुक ने उसको मधुमंगल को बोल दिया तो ऐसा जब सारा मधुमंगल वगैरह को बोला गया तो मधुमंगल फिर शुक के साथ शुरू हो गया अभी पहले कृष्ण के साथ था अभी शुक के साथ वार्तालाप शुरू हो गया करके नंद महाराज पूरा ये सुन रहे थे वगैरह और बोले ये शुक कहाँ का है ये कृष्ण का बोले बड़ा विज्ञ है बड़ा ज्ञानी शुक है ये कहाँ से लाया करके तो फिर यशोदा माता वहाँ पर बताने लगी कि ये शुक कहाँ से आए वगैरह इस प्रकार से तो ऐसा फिर वहाँ पे इतना सुंदर हास्य विनोद से वो वातावरण हो गया और फिर तीर्थदा जी आके बोले कि अभी अभी सारे व्यंजन जो है वो ठंडे हो रहे हैं अभी इस सारे व्यंजन सबने स्वीकार करने चाहिए फिर बहुत सुंदर परोसना जो है प्रारंभ किया सब श्यामा सखी ने नंद बाबा से परोसना प्रारंभ किया और श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को और फिर बलराम बलराम जी को पहले फिर श्री कृष्ण को ऐसे परोसना प्रारंभ किया तो इतना सुंदर हास परिहास है वहाँ पर बहुत विशाल लीला है एक्चुअली देखा जाए मैं तो बहुत ब्रीफ में बोल दिया ये लेकिन मुद्दा यह है कि वहाँ पे आनंद बदनाम चंद को कहता है कि मधुमंगल के उस हास परिहास में ये सारे छः के छः रस वाले व्यंजन और भी स्वादिष्ट बन गए और भी विशेष बन गए इतने विशेष तो वहाँ पे फिर श्रीमती राधा रानी जो है आ, उनको उनके पाक कला से इतनी प्रसन्न हुई यशोदा कि उन्होंने कहा कि श्रीमती राधा रानी क्या रोज आके हमारे लाला के लिए बना सकती है पाक जो है पाक कला इतनी प्रसन्न हो गई वो चाहती थी तो फिर ये कीर्तिदा तो बहुत खुश हो गई राधा रानी भी बहुत खुश हो गई तो फिर पावन सरोवर के यहाँ पे वो जो है एक पाक पाक शाला जो है निर्माण की गई और रोज राधा रानी जो है अपने स्थान से आके पावन सरोवर में कृष्ण के लिए जो है सुंदर सुंदर व्यंजन जो है वो बनाती है तो इस बहाने से राधा रानी को कृष्ण भगवान कृष्ण और नंद यशोदा इनके इनके निकट जाने का भी बहुत एकदम ऑफिशियल औपचारिक रूप से अवसर जो है वो प्रदान हुआ और सारी उनकी लीलाएं जो है वहाँ से फिर और भी पुष्ट होने लगी तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन जो है निमंत्रणोत्सव में है तो यहाँ पे विराम देता हूँ ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुई है तो इसलिए प्रभुपाद जी के प्रति बड़े कृतज्ञ है कि इस मार्ग को हमें प्रभुपाद जी ने जो है प्रदान किया है तो यहाँ पे हम विराम देंगे श्रीमती राधा रानी की गुणगान जय श्रीमती राधा रानी की श्रील प्रभुपाद की कृष्ण भगवान की निताय गौर प्रेमानंदे